मेरा सवाल अब कुलभूषण सर से है। एक्चुअली एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी वाइल डूइंग जॉब। काफी लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उन्हें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से ओके, लेकिन सो एक्चुअली एक्चुअली द पीपल हु आर डूइंग जॉब लाइक इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग, थोड़ा सा चैलेंजिंग ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम में इफ अ पर्सन इज डूइंग एनीवेयर लाइक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर विद गवर्नमेंट और लाइक सम कहीं पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं, एवरीवन डिमांड्स बिकॉज़ ही लाइक ही और लाइक द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स योर टाइम, जब वो ऑर्गेनाइजेशन टाइम डिमांड कर रहा है टाइम अब आपको देना है कोचिंग में भी, सो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल टू अदर कैंडिडेट्स, जैसे अभी सर ने बोला 5 से 8 घंटे, अब आपके पास अ पर्सन हु इज डूइंग कोचिंग हु इज डूइंग जॉब विल नेवर हैव 8 आवर्स, विल नेवर हैव 8 आवर्स, बट अब उसी अवेलेबल स्लॉट में जो अवेलेबल टाइम है उसी टाइम में अब हमें प्रिपरेशन करनी है, अब हम उस अवेलेबल टाइम में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक आई टेल यू वन एग्जाम्पल, देर वॉज अ गाय आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2014 आई गेस 14 और 15, देर वॉज अ पर्सन हु वॉज वर्किंग अलॉन्ग विद BSNL एंड हिज पोस्टिंग वॉज इन दिल्ली एंड ही वॉज रेजिडेंट ऑफ सोनीपत, सोनीपत का वो रहने वाला था, सोनीपत आपको पता है दिल्ली NCR में, दिल्ली से लगभग 1.5 घंटा लगता है ट्रेन से, अगर आप आएंगे तो बाई रोड आएंगे तो ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सो ही यूज टू ट्रैवल लाइक बाई ट्रेन, तो लाइक द पर्सन इज अ वेल नॉन लाइक नोन पर्सन टू मी, मेरी उससे बात हुई एक बार, जब बात हुई मैंने पूछा कि हाउ डिड यू मैनेज, आपने मैनेज किया कैसे, तो द पर्सन टोल्ड मी कि व्हाट ही डिड, जब वो सुबह आते थे ट्रेन में आते थे तो ट्रेन का वो एक MST नाम का एक पास होता है ना, वो मंथली एक पास होता है MST बोलते हैं उसको, तो MST लिया हुआ था, बोला था कि जब बाकी के मेरे बराबर वाले लोग उस जिस टाइम पे कार्ड्स खेल रहे होते थे या कुछ लोग कीर्तन कर रहे होते थे है ना ट्रेन में डेली, अगर आप कभी मॉर्निंग में ट्रेवल किया तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो डेली कम्यूटर्स होते हैं वो कैसे टाइम पास करते हैं है ना, इधर दे विल बी प्लेइंग कार्ड्स और कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए भी आते हैं या कुछ लोग न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं अलग अलग, लाइक आजकल तो जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तो 50% के हाथ में फोन होता है, फोन के अंदर मूवीज और वेब 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 शोज होता है, उसने बोला कि मैं अपना वो 1.5 घंटे में से आई एंश्योर्ड दैट आई स्टडी 1 आवर इन द मॉर्निंग 1 आवर इन द इवनिंग, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, दिस वॉज फॉर श्योर, दिस वॉज फॉर श्योर, 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये होने के बाद में 1 घंटा टाइम मिलता है ऑफिस के अंदर लंच आवर, लंच आवर एंड इन सेवरल ऑफिस पीपल एक्सटेंड दैट, पीपल एक्सटेंड दैट है ना, लोग उसको एक्सटेंड कर देते हैं, कोई आपको तो पता है लाइक देयर आर सो मेनी पीपल वो एटलीस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और PSUs थोड़ा है ना टाइम इधर उधर कर लेते हैं, सो ही मेड श्योर दैट ही इज हैविंग 1 आवर इन द ऑफिस एज वेल, 1 घंटा उसके पास ऑफिस में, एंड देन जब रात को वो घर पहुंच रहा है शाम को जब 6 बजे फ्री होगा 7 साढ़े 7 बजे घर पहुंचेगा, खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद में द पर्सन इज इन अनमैरिड, पर्सन इज अनमैरिड, फैमिली का टेंशन नहीं, मम्मी पापा है नीचे लाइक द उसका रूम है ऊपर, तो ऊपर गए और 2 से 3 घंटा पढ़ा रात को, 5 से 6 घंटे की स्टडी में दैट पर्सन कुड क्लियर द एग्जाम, इन दिस 5 to 6 आवर्स ऑफ स्टडी द पर्सन वॉज मैनेज टू क्लियर द एग्जाम, उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, ही वॉज हैविंग रैंक एंड ही गॉट IRS इनकम टैक्स, IRS इनकम टैक्स मिल गया 5 से 6 घंटे की स्टडीज में, द थिंग इज अभी जैसे आपने मैम क्वेश्चन पूछा ना कि कितना टाइम करना चाहिए, देर इज वन मोर पर्सन हु इज स्टडिंग 12 आवर्स, बट उस 12 आवर के अंदर एक चीज है उसके उसके पास एक चीज है जो पढ़ाई के साथ साथ वो कर रहा है, एंड दैट थिंग व्हाट इज दैट थिंग, वो है उस बला का नाम है ये है ना, दैट थिंग इज दिस, ओके, तो वो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में हर 5 मिनट के अंदर ये चेक करना पड़ रहा है कि ओ माय गॉड मुकेश अंबानी ने मैसेज किया है क्या, सीधा PMO से मैसेज आया है ना, ये चेक करना पड़ेगा ना, सो इम्पोर्टेंट द मैसेज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट कि देश की अर्थव्यवस्था उसी के फोन से चल रही है ना, बार बार तो फोन में देखेगा, बार बार फोन में देखेगा, सो माई व्यू इज जब आप पढ़ाई कर रहे हैं व्हेन यू आर स्टडिंग प्लीज अपने साइड में फोन रख दीजिए, अब यहां पर आप मेरे ऊपर एक काउंटर काउंटर फेंकेंगे कि अगर हम साइड में फेंकेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है,
है ना, पता नहीं वो हमें गूगल करना होता है, बिल्कुल सही बात है, गूगल करना होता है, बट लोग हम लोग करते क्या है, व्हाट वी आर डूइंग इज हम ये करते हैं, देखना तो हमें केवल इतना सा था कि फिजी की राजधानी क्या है, केवल इतना देखना था फिजी की राजधानी क्या है, वी एंड अप वॉचिंग समथिंग एल्स, एंड आई विल नॉट यूज द लाइक इंस्टा पे फोटोज एंड ट्विटर पे ट्वीट्स, किसने ट्वीट किए, एक बार फोन हाथ में आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स भी खुल जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है. सो बेसिकली जब भी पढ़ाई करें आप मेक श्योर कि आपके पास में एक डायरी हो, यू आर हैविंग अ डायरी, यू आर जॉटिंग डाउन द थिंग्स, जो जो आपके डाउट्स हैं आपने जॉट डाउन कर लिए, आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में अब आपने फोन या लैपटॉप उठाया और एक साथ इकट्ठा सारा सर्च किया, दीज आर द थिंग्स. बट डोंट यूज फोन व्हाइल स्टडिंग, इट इज समथिंग लाइक it's a blessing also, but it can be a curse as well. And a curse bhi ho sakta hai. So use it as a blessing. Don't use it as a curse. So wo 12 ghante wala jo student pad raha tha aur ye 5 se 6 ghante wala, you know, 12 ghante mein agar aadha time phone ka hai, then what the use of 12 hours? Aur mummy papa ko lagega, wow, hamara bachcha to bahut pad raha hai. Is baar to pakka first rank laega, first se bhi pehle kuch hoga to shayad wo le aayega. Baad mein pata chalta hai kuch aur, prelims bhi clear nahi hua. ये कैसे हो, मेरे बच्चे ने तो इतनी पढ़ाई करी थी, मम्मी इस बार यूपीएससी ने गड़बड़ करा है, करप्शन हुआ है इस बार, पैसा लेके लोग आ गए, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, आई गेस आपको मेरे आंसर से शायद कन्विंस होंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज स्टडी लेस बट इट शुड बी क्वालिटेटिव. क्वालिटी इज व्हाट दैट मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी. क्वालिटी इज द थिंग दैट इज मैटर, लाइक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो द पीपल हु आर गोइंग टू जॉब, लाइक I have seen the people who are clearing along with the job, they are doing actually qualitative studies because unko pata hai ki they are having less time, unke paas time hi kam hai, to unko kam time mein zyada padhna hai unko, hai na, so they are basically focus or determination high rakhna hai.